जिंदगी में हम लोग बहुत सपने सजाते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं रहता है कि जिंदगी हमारे लिए क्या प्लानिंग किया हुआ है कि नहीं। बिल्कुल सही बोले ना। हम लोग सोचते हैं कल ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बट हमको पता नहीं है कि अगले मोमेंट में हमारे साथ क्या होगा। एक वॉरियर ही समझ सकता है एक वॉरियर का दर्द, है कि नहीं? हम तुम्हारा दर्द समझते हैं ना। बिल्कुल, तुम भी मेरा दर्द समझते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मुश्किल में भी मुस्कुराते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल, हंसना है हमेशा, रोना नहीं है, है कि नहीं? मैं यार बात बोल। हाँ बोलो। पहले बोलो, हंसना बाद में। पहले बोलो, पहले बोलो। हम लोग मुश्किल में भी मुस्कुरा लेते हैं, है कि नहीं? हारना नहीं है। हाँ ये बात सही है, इन्होंने बोला कि कभी हारना नहीं है, बस मुश्किल आते रहते हैं। इनका बोलना ये है मुश्किलें आते रहते हैं, उनको पार करके हमको जीत की ओर आगे बढ़ना है। सही बोला ना? सही बोला। हम आपकी बात को थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे। ओके 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 ओके, आप बहुत अच्छे हो, आप मुस्कुराते हो, बहुत अच्छा लगता है हमें, ऐसे ही मुस्कुराते रहना। हेलो हाय नमस्कार, आज मेरे साथ है मेरे एक साथी जो एक वॉरियर है, वो कुछ एक्सीडेंट का वजह से अभी फिलहाल व्हील चेयर के सहारे अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, और उनका एक रिवाइव सेंटर में ट्रीटमेंट कंटिन्यू हुआ है ना। लगभग 20 साल से ये इस हालात से गुजर रहे हैं और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको देख के भी हमें बहुत मोटिवेट मिलता है कि हम खुद को अकेला महसूस नहीं करते, क्यों कभी कभी लगता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, पापा ही क्यों ऐसे हैं। तो मतलब एक तो सपोर्ट मिलता है, एक तो मोटिवेशन मिलता है इस तरह से पेशेंट को देख के, और हम भी कोशिश करते हैं उनको किसी तरह से कुछ मदद कर पाएँ, उनसे कुछ सीख पाएँ इस तरह से। तो आइए हम लोग जानते हैं इनका नाम, और लकीली इनका नाम सुशांत है। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या बता? सुशांत। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? नासिक। उनका आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, जो भी है फिल्टर करके बता देंगे। नासिक। तो आपका मतलब अभी आपके साथ कौन, मम्मी पापा हैं? मम्मी पापा। एक चीज थोड़ा हमको बहुत दर्दनाक फील होता है, जैसे किसी का मम्मी पापा उसका केयर करे ओल्ड एज में, और ओल्ड एज में बेटा उसका केयर करे, दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। और इनको देख के हमें उनका मम्मी पापा को देख के बहुत ही मतलब सपोर्ट मिलता है, मोटिवेट मिलता है, और उतना दुख भी लगता है कि इस तरह सा सिचुएशन को आप सोच सकते हैं। एक मम्मी पापा का बेटा केयर लिए ओल्ड एज में वो अलग होता है, और कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, ऐसे सोचना नहीं है, ओके ना? हाँ, तो आप पढ़ाई आपका कैसे क्या हुआ थोड़ा बता सकते हो? एक्सीडेंटल। मेरा एक्सीडेंट हुआ। ओ कोई बात नहीं, होते रहता है ऐसा। पढ़ाई कंप्लीट हुई? हुआ नहीं पढ़ाई। बीटेक इंजीनियर, थर्ड ईयर में थे ना? मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बीई। अच्छा, बीई इंजीनियरिंग करते थे, तो कंप्लीट नहीं हुआ पढ़ाई। हुआ थर्ड ईयर में था ना, फोर्थ ईयर में? फोर्थ ईयर, ओ एक सेमिस्टर और बाकी था। साथ यही हुआ कि फोर्थ सेमिस्टर में थे, फोर्थ ईयर में थे, एक सेमिस्टर बाकी था, तो इनका मतलब एक्सीडेंट हो गया। तो होता है कुछ वजह से लाइफ वहीं से ही रुक जाती है। तो
ऐसा नहीं है कि हार जाना है, तो कोशिश करना है और जिंदगी को आगे बढ़ाना है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये जैसे स्ट्रगल करते हैं और चलने की कोशिश करते हैं, इनके अंदर का जो मोटिवेशन पावर है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, और आपसे बात करते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है ना? आपको भी? अच्छा अच्छा इनका स्माइल मुझे बहुत पसंद है, ये जैसे स्माइल करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? स्माइल करते रहना का जिंदगी तो गुजरेगी, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, हाँ, अरे सही बात, बहुत अच्छी बात बोला, जिंदगी में कभी रोना नहीं। देखिए इनके साथ इतना कुछ तकलीफ हो रहा है, फिर भी ये मतलब इतना मोटिवेशन वर्ड बोल रहे हैं, है कि नहीं? कुछ नहीं, ऐसे सोचने का नहीं है, मतलब आप ठीक हो जाओगे, ओके ना? ओके, थैंक यू।